गाइज, माई नेम इज़ अनुपमा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफाहोलिक। आई नो मुझे ये इंट्रो दे के काफी टाइम हो चुका है, बट एनी वेज आई एम हियर नाउ एंड सो आर द मॉनसून्स। सो वी हैव लैंडेड अप इन अ प्लेस कॉल्ड एज भंडारदारा इन महाराष्ट्र एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड एज Wild Roots. I'm going to show you everything about this property in this video. End-to-end details milega. And plus, agar mujhe kuch achha nahi laga ya I think something needs improvement, of course I'm going to be honest with you guys. And also towards the end, I'm going to give you a breakup of how much everything costed for me. So end tak pura dekhna to get all the information. And before we proceed into the room tour, the room behind me, make sure that you have given this video a like and also subscribe to my channel. Right below is the subscribe button, the red subscribe button and the bell icon next to it. Let's go. This is the Pravara River. यहाँ पे खड़े रह के यू आर गेटिंग द नाइस साउंड ऑफ द रिवर। इट्स बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ, क्वाइट विंडी एंड बहुत अच्छा क्लाइमेट हो चुका है। एंड ये जो वेलकम ड्रिंक है द लेमन टी, एंजॉयिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस इज जस्ट डिवाइन। वी हैव बुक्ड द रिवर साइड कॉटेज विथ प्राइवेट वरांडा। सो एंटर करते ही दिस हैज अ वेरी नाइस रस्टिक फील टू इट। ये है हमारा प्राइवेट वरांडा, यहाँ पे आराम से चार जन बैठ सकते हैं। कोजी सा सेटअप है। दिस इज डायरेक्टली फेसिंग द रिवर इटसेल्फ। ऑल द कॉटेजेस हियर आर फेसिंग द रिवर, सो व्यू का कोई टेंशन नहीं है। सिमिलरली देयर इज सीटिंग हियर एज वेल, यहाँ पे भी बैठ के अपना टी कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। लाइटिंग के लिए देयर आर टू लैंटर्न्स हियर, गिव्स इट दैट रियली गुड विलेज रस्टिक वाइब्स यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है, हाइजीनिक है, सो उसका कोई टेंशन नहीं है। वंस यू एंटर यू विल सी दैट इट्स सच अ वेरी नाइस कोजी सा रूम। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इज द टी कॉफी स्टेशन। ऑल्सो दो बॉटल पानी कॉम्प्लीमेंट्री है, हमने थोड़ा एक्स्ट्रा बॉटल्स मंगा के रखा है। बेड इज quite sufficient for two or even three if you have a kid. दोनों साइड पे सीटिंग है, सो या तो आपको रिवर का व्यू मिलेगा या तो ग्रीनरी वाला व्यू। दो क्यूट से बेड साइड टेबल्स है, डियर जैसा बना है फॉर हैंगिंग योर क्लोथ्स। आई रियली लाइक दिस, काफी इनोवेटिव है। इवन सीलिंग भी वुडन केन का बना है विच गिव्स इट दैट ओल्ड स्कूल वाइब। फैन भी ऐसे काफी एंटीक सा है। हमारे रूम टूर के लिए एक और गेस्ट यहाँ पे आया है। ओके, इवन द डोर ऑल्सो सिंस इट हैज द लुक ऑफ द केन, तो काफी ऐसे ओल्ड विलेज हाउसेस जैसे लग रहा है। वॉशरूम काफी बेसिक सा है बट एमिनिटीज आर देयर। ओवरऑल द रूम हैज अ वेरी रॉ रस्टिक वाइब टू इट, जैसे यू आर इन बिटवीन नेचर बट एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज एज वेल। एंड पूरे टाइम वो फ्लोइंग वाटर का आवाज आता है विच इज सो गुड। यहाँ पे दोपहर को एंड रात को सोने में बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे बैठने का भी काफ़ी सारा प्लेसेस दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट सिट एंजॉय द रिवर। या तो अपने खुद के वरांदा में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं या फिर इन द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। जब वाटर लेवल थोड़ा सा नीचे रहेगा तो यू कैन सिट ऑन दीज रॉक्स एज वेल। भंडारदारा इज अप्रॉक्सीमेटली 190 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली अगेन 190-200 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे। और ये काफ़ी ऐसे सीनिक सा लोकेशन है, बट एट द सेम टाइम भंडारदारा इज़ नॉट वेरी मच एक्सप्लोर्ड, तो यहाँ पे काफ़ी कम प्रॉपर्टीज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर व्हाट यू से वीकेंड गेट अवेज दैट यू हैव फ्रॉम दीज प्लेसेस। बट नेवर्थलेस इट्स रियली ब्यूटिफुल। एक्चुअली यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है इट्स नॉट वेरी बिग बट इट इज़ जस्ट बिल्ट अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस प्रवरा रिवर। छोटा सा है बट नीट एंड क्लीन रखा है। ऑल्सो दिस प्लेस इज पेट फ्रेंडली, सो यू कैन गेट योर फरी फ्रेंड्स। अप्रोच रोड टूवर्ड्स हियर ऑलमोस्ट
सारे रोड्स अच्छे थे बट लास्ट 2 kilometers द रोड्स वर अ लिल बैड, लाइक द पैच वॉज नॉट रियली दैट गुड. We then headed for lunch to their in-house restaurant where we were served piping hot veg manchow soup in this pouring rain. So barish mein bahut hi garam soup is just wow. Bahut maza aaya. We also had corn tikki, basa fish, bajra and jwari ki bakri, chicken curry and chawli ki bhaji. This was prepared the authentic local way. The food here was so homely and yum. I think one good thing about this property is this villas that we have are very limited, so people are very attentive to you. So they'll try and make you feel special. They'll ask you ki aapko kya khana hai, to hum us tarah se bana denge. So feels little special, personal jaisa. Personal, yeah. I am excited because raat ke liye they are saying ki kuch kala chicken banane wale, which is like a local delicacy, so I'm excited for the dinner also. Khane ke liye to I'm always excited. अभी बारिश हो रही है, अदरवाइज दे कैन अरेंज सम मील फॉर यू सिटिंग ओवर द रिवर. उसके लिए यहाँ से जाना है बट अभी फिलहाल तो बहुत बारिश है एंड वाटर लेवल इज अ लिटिल अप. बट इफ यू कम हियर ड्यूरिंग एनी अदर सीजन, यहाँ पे एक मील अरेंज करवा सकते हैं. आई थिंक दैट वुड बी रियली नाइस, एकदम स्पेशल होगा. रात को एम्बियंस हियर वॉज रियली वेरी गुड. देर वर लाइट्स आउटसाइड आर कॉटेजेस एंड ऑल द गेस्ट हैड देयर डिनर इन द प्राइवेट वरांडा इटसेल्फ. इट वॉज अ वेरी नाइस कोजी होमली एक्सपीरियंस एंड द डिनर हियर डिड नॉट डिसअपॉइंट ईदर. राइट फ्रॉम द चिकन स्टार्टर टू द क्रिस्पी भिंडी, द भाजी एंड ऑफकोर्स व्हाट आई वॉज रियली वेटिंग फॉर, द काला चिकन. Different. I think it's a delicacy and you could feel that it's very different. Very nice. कल रात से इट हैज़ बीन रेनिंग सो मच. हम लोग अपने वरांडा में बैठे हैं एंड वी आर हैविंग अ नाइस कप ऑफ कॉफ़ी राइट नाउ. स्टे वॉज रियली वेरी कम्फर्टेबल ओवर हियर. मैं एंटिसिपेट कर रही थी कि कुछ तो ऐसा कीड़ा दिखेगा, कुछ लिजर्ड्स दिखेंगे, समथिंग, बिकॉज यू नो यू आर इन बिटवीन नेचर, सो ऑब्वियसली आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बट टू माई सरप्राइज मुझे एक भी ऐसा कुछ दिखा नहीं, कुछ भी नहीं था. एवरीथिंग वॉज वेरी वेल प्रॉपरली मेंटेन्ड. बेड वॉज रियली वेरी कम्फर्टेबल, इसलिए हम लोग काफ़ी अच्छे से सोए. Partly that could be because me and Sahil have noticed that ki rain ke sound mein we sleep very well. Now room is slightly small, kafi basic sa hai, usme mini fridge nahi hai. Another one con of this place is ki rooms mein wifi hai but for some reason the wifi was down. We did not get wifi throughout our stay. So ye con samjho ya pro samjho, that is up to you guys. Mujhe bilkul bhi network nahi mila. I'm using Vodafone Idea and Sahil is using Airtel. He was getting like one bar. So for me I was cut off and mujhe bahut zyada peaceful laga, kind of like
like a blessing in disguise for me. Baki, the property is very well maintained. बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है. इट्स सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर. इनफैक्ट ये जो रिवर है उसमें कायाकिंग भी होता है. ऑफ कोर्स दीज आर मॉनसून, तो काफी सारे फैसिलिटीज आर बंद ड्यूरिंग दिस टाइम. नाउ यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ रूम्स है. द रूम दैट वी बुक्ड इज द कॉटेज विद प्राइवेट वरांडा, रिवर साइड कॉटेज. देयर इज ऑल्सो अ कॉटेज विद जूनियर स्वीट एंड देयर इज ऑल्सो अ फैमिली रूम जहाँ पे मोर नंबर ऑफ पीपल कैन बी अकोमोडेटेड. नाउ कमिंग टू द कॉस्ट, दिस रूम कॉस्टेड अस 9,450. This is exclusive of taxes but including all meals. When I say all meals, it includes breakfast, lunch and dinner. Unke site pe abhi filhal monsoon offers chalu hai, so we got this at a discounted rate. So you can check out their site, the link is in the description box. I think it's like the perfect time to actually book over here. Package mein high tea included nahi tha, but if in case you want to opt for high tea alag se, then that is of course on chargeable basis. Yahan pe tea, coffee, maggi, bhajia, wo sab mil jata hai. I think that's about it. Koi aur agar details hai jo maine miss out kar diya hai that you want to know, then please let me know in the comment section. I will try answering them. It's really beautiful and very peaceful over here. I don't know how many times in this video I've told that it's so peaceful here. Hope you guys have enjoyed today's video. If you did, then please do not forget to give this video a thumbs up. And please do not forget to subscribe to my channel. Hit the subscribe button below and the bell icon next to it. Until we meet again next time, stay tuned.